नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। ये स्टॉक 6 रुपीज 80 पैसा पे ट्रेड कर रहा है। 1.45% का आज इसने मार्केट में डाउन मूव दिया है। उसके साथ इसकी मार्केट कैप हो गई 1040 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग जो है 10.6% है एंड फेस वैल्यू 1 है। इसकी फंडामेंटल वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। ये आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बनने की कैपेसिटी रखता है स्टॉक। काफ़ी अच्छे अच्छे इनके अभी इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने एक्वायर की हैं। तो फंडामेंटल वीडियो जो है वो वेरी फर्स्ट वीडियो होगी प्लेलिस्ट में, वो आप देख सकते हैं। बाकी आज इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है Q3 का रिजल्ट जो आज आया है एंड उसका इसके प्राइस पे क्या फर्क पड़ सकता है। तो चलिए चलते हैं रिजल्ट पे। तो इस कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इन शॉर्ट बात करूं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। अब देखते हैं कि रिजल्ट में हुआ क्या है। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो काफी कम आया है प्रीवियस क्वार्टर से एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी बहुत ज्यादा कम आया है। एंड यहाँ पे टोटल इनकम की बात करें, क्योंकि अदर इनकम भी काफी कम आई है प्रीवियस क्वार्टर से, हाफ हो गया अदर इनकम ऑलमोस्ट प्रीवियस क्वार्टर से एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से थोड़ी काफी ज्यादा है। तो टोटल की बात करें तो टोटल इनकम जो है 10,237 लाख है एंड प्रीवियस क्वार्टर में जो थी वो 12,274 लाख थी एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 13,457 लाख थी। तो काफी बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। एक तो ये हुआ है कि रेवेन्यू कम आया है, दूसरा यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस में रेवेन्यू में जितना फर्क आया है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस में फर्क नहीं देखा गया है। एक्सपेंसेस काफी कम दर्जे पे कम हुए हैं तो वहां भी थोड़ा फर्क पड़ गया। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स जो है 301.19 है जो कि ब्रैकेट में है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो लिखा है, लॉस जो है ब्रैकेट में लिखा है तो मतलब ब्रैकेट में जो चीज होगी वो लॉस में आएगी। तो यहाँ पे बेसिकली लॉस दिखाया गया है, तो 301 लाख का लॉस है यहाँ पे, ठीक है। एंड लास्ट ईयर प्रीवियस क्वार्टर में 780 लाख का प्रॉफिट था एंड सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर में 347 लाख का प्रॉफिट था। सो बेसिकली बात करें तो रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं एंड यहाँ पे आप एक्सपेंसेस देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टैक्स एक्सपेंसेस एंड बेनिफिट्स, तो एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पे 85.67 है टोटल टैक्स एक्सपेंसेस एंड प्रीवियस क्वार्टर में जो थे वो थे 15.52 एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थे 271.14 पर वो ब्रैकेट में थे, मतलब वो इसमें नहीं जोड़े गए हैं, वो इनफैक्ट इसमें ऐड हुए हैं क्योंकि ये पुराने इनके पास पड़ा हुआ था जो रखते हैं ना प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में जो रखते हैं, तो इसमें ऐड होके आया है इनफैक्ट वो, ठीक है। तो बेसिकली नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे टोटल सारा कुछ मिला के यहाँ पे 405.09 जो है वो यहाँ का टोटल इनकम है एंड लास्ट क्वार्टर में जो थी 848 थी एंड प्रीवियस ईयर में सेम क्वार्टर में 492 थी। तो इन शॉर्ट बात करी जाए तो रिजल्ट कुछ खास नहीं आया है, इनफैक्ट काफी गंदा आया है जो कि उम्मीद से मतलब काफी दूर है। तो अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। तो देखिए, बात इन शॉर्ट में मैं करूं तो देखिए होता रहता है कंपनीज में, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है। तो मुझे लगता है कि जिस कंपनी में इस बार Q3 के जो रिजल्ट के बाद की प्रोसेसिंग है वो काफी कुछ हुआ है, जनवरी में काफी कुछ इन्होंने एक्वायर किया है, तो मुझे लगता है कि Q4 के रिजल्ट काफी अच्छे आने वाले हैं। एडवांस में लग रहा है काफी रेवेन्यू में इजाफा होगा। तो मुझे लगता है कि देखिए जो प्राइस होता है वो भाव भगवान छे जो बोलते हैं, राइट। तो मुझे लगता है जो रिजल्ट आए हैं उन नंबर्स के आधार पे हो सकता है कि ये नीचे गिरे। ये यहां से मैंने पहले सपोर्ट लगाया था कि मुझे लगता था स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा एंड कहीं ना कहीं आज वहीं से ये रिवर्स लेके वापस गया है ऊपर, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, देखिए वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं आई है, 10 मिलियन का वॉल्यूम आया, मतलब 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आया है जबकि स्टॉक में काफी वॉल्यूम आता है। तो वैसे तो यहाँ पे गिरावट में वॉल्यूम नहीं देखा गया है, लोगों ने होल्ड किया है इस स्टॉक को। आप यहाँ पे देखिए मतलब 160 मिलियन के आसपास यहाँ पे 10 मिलियन का आया, बहुत बड़ा फर्क है। चलो यहाँ पे ऊपर भी उठ रहा था मान सकती हूँ, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन दे सकता है। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें इस पॉइंट पे, तो अब मार्केट में बेसिकली क्या लगता है कि क्या होगा। देखिए प्राइस की वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे गिरेगा एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से अगर ये नीचे गया
तो मुझे लगता है कि यहाँ का ये सपोर्ट ले सकता है। अब इसके प्राइस बैंड, सॉरी ये मैंने दूसरा उठा लिया, एक मिनट, यहाँ पे प्राइस बैंड एक बार देख लेते हैं कि इसका प्राइस बैंड कितना है। तो इसका प्राइस बैंड अभी 5% है, क्योंकि आपको पता है स्टॉक काफी भाग गया था, राइट। तो प्राइस बैंड के हिसाब से अगर अंदाजा लगाएं तो अभी के प्राइस पे जो ये है वहां से हमारा सपोर्ट जो है 3% के आसपास बैठता है। पर मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। ऑनेस्टली मैं चाहती नहीं हूँ गिरावट आए, पर मुझे लगता है इसमें गिरावट आ सकती है, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो काफी स्ट्रांग है ये स्टॉक। तो मुझे लगता है कि यहाँ के अगर गिरावट आई भी तो इससे पहले रिवर्सल हो जाएगा 6 रुपए से पहले, पर यहाँ पे मुझे लगता है स्ट्रांग सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का कितना बनता है। तो ये बनता है लगभग 12% के आसपास। तो मुझे लगता नहीं वैसे इतनी गिरावट आ सकती है, पर यू नेवर नो, आ भी सकती है। वैसे स्टॉक काफी पहले ही रिकवर कर चुका है यहां से, ऑल टाइम हाई से फिर इसने कोशिश करी, फिर ये नीचे गिरा। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कैंडल्स का ही सारा ये बना हुआ है। एंड मुझे लगता है कि वैसे मैं चाहती नहीं हूं कि आए, पर अगर आएगी तो ये काफी स्ट्रांग सपोर्ट मुझे यहाँ पे लगता है 6 रुपए के आसपास का। तो अभी एंट्री की बात करें तो देखिए रिजल्ट तो ठीक है, गंदा आया है, पर इसमें काफी सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आई हैं। तो मैं यहाँ पे होती तो मैं तो वैसे मैंने स्टॉक लिया हुआ है, पर अगर मुझे फिर भी और एंट्री बनानी होती तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कल की कैंडल का वेट करती और उसके बाद शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए जरूर एंट्री बनाती। वैसे अगर आप मेरी वीडियोज देखते हैं तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके ही चलती हूँ, मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा फायदा होता है। तो मुझे लगता है कि एक कैंडल का अगर कल की वेट कर ले तो उसके बाद एंट्री, फ्रेश एंट्री का विजन हमारा क्लियर हो सकता है कि क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। एक और भी चीज आई थी इसमें, वो भी देख लेते हैं कि दूसरी न्यूज क्या थी। सो बेसिकली मैंने ये बोर्ड मीटिंग, तो ये रिजल्ट ही है और तो कुछ भी नहीं है। एक बार देख लेते हैं कुछ और ये साथ में देना रहे हो कुछ डिविडेंड अगर इनको देना हो कुछ, यूजली ये करते हैं रिजल्ट के साथ अनाउंस। तो नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी तो मार्केट में, अभी के लिए स्टॉक को लेके इतना ही न्यूज है। बट पहले 9 तारीख को भी एक अच्छी न्यूज आई थी कि इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशनल वो था, तो कुछ इंस्टीट्यूशन के लिए इन्होंने कुछ इक्विटी शेयर जो है वो अलॉट किए हैं, वो भी एक अच्छी न्यूज है। एंड वो काफी अच्छा वो था, वॉल्यूम काफी अच्छा था उसका, क्वांटिटी काफी अच्छी थी। तो मतलब यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। इन्होंने थोड़े टाइम पहले वो भी किया था कुछ, इनके जॉइंट वेंचर के थ्रू इन्होंने एक्वायर भी करी हैं चीजें। एंड इन्होंने जनवरी में 2.0 स्काई जो है दुबई में, वो भी इसमें 60% होल्ड लिया है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम का मल्टी बैगर है, बट भाव भगवान है तो हमें भाव के साथ ही चलना पड़ेगा। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी ये मेरी सिर्फ एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉप लॉस लगाना कभी मत भूलिए, ठीक है। रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।